फोटोग्राफ प्यारी सी मेमोरीज के लिए होती हैं। हम एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ में, और जब भी हम वो फोटोग्राफ को देखते हैं तो उस मोमेंट को याद करके हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम वो मोमेंट को एक और बार जी रहे हैं। पर कई बार मेमोरीज ऐसी भी बन जाती है जो आपके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं हो, जिसे हम चाहकर भी याद नहीं करना चाहते होते हैं। और आज के एपिसोड में मैं आपको ऐसी 5 फोटोग्राफ विद डार्क बैक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। सो टर्न ऑफ द लाइट्स, पुट ऑन द हेडफोन्स एंड यू आर वेलकम टू अ टुडेज़ एपिसोड। इस फोटोग्राफ में आप जिसे देख रहे हो उसे लोगों ने ग्रीन मैन और चार्ली नोफेस नाम दिया था। लोग मानते थे वो वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया का एक अर्बन लेजेंड है, जिसे लोगों ने एक्चुअल में रात में सड़कों पे घूमते हुए देखा था। और चार्ली नोफेस, उसको ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उसका एक्चुअल में कोई फेस नहीं था, पर एक्चुअल में ये सब झूठ था। चार्ली एक नॉर्मल इंसान था जिसका नाम था रेमंड रॉबिन्सन, और रेमंड बचपन से ही ऐसा नहीं था। पर जब वो 8 साल का था तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। रेमंड और उसका एक दोस्त इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो पोल में करीब 22,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी थी, और चढ़ते ही पोल में एक ब्लास्ट हुआ जिससे रेमंड की फ्रेंड की डेथ हो गई, और रेमंड ने अपनी आंख, नाक और अपने राइट आर्म को खो दिया। और इसी कारण से वो पूरे दिन अपने घर पर रहता था और सिर्फ मिडनाइट को अपने घर से बाहर निकलता था जब उसे कोई ना देख पाए। वो यूजुअली अपने नेबर से छुप कर रहता था, पर कभी कभी रेमंड अपने नेबर्स को अपनी फोटो खींचने देता था, जिसके बदले वो ड्रिंक्स और सिगरेट ले लिया करता था। और 1985 में रेमंड की 78 ईयर की उम्र में डेथ हो गई। अगली फोटोग्राफ जो है उसी टॉपिक पर मेरी लास्ट वीडियो भी थी। एमिटीविला एक घर था जिसमें 7 लोगों की फैमिली रहती थी, पर एक रात उस फैमिली के सबसे बड़े लड़के ने, जिसका नाम रोनाल्ड बस डेफियो था, पूरी फैमिली को शूट कर दिया। और ऐसा होने के बाद हर जगह रूमर्स फैलने लगे थे कि एमिटीविला हॉन्टेड है, और इसीलिए एमिटीविला को शुद्ध करने के लिए एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। और एड और लॉरेन वॉरेन वहां जाने के लिए रेडी हो गए। वो अपने साथ एक टीवी क्रू को भी लेकर गए ताकि वो घर के फोटोग्राफ खींच सके और वीडियो बना सके। उन्होंने जितनी फोटोग्राफ खींची उसमें से एक फोटोग्राफ में ये कैप्चर हुआ। फोटोग्राफ में एक छोटा बच्चा दिख रहा है जो कि एक्चुअल में डेफियो फैमिली के सबसे छोटे लड़के जॉन मैथ्यू डेफियो से काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। पर फिर भी सबके लिए आज भी ये मिस्ट्री है कि वो फोटोग्राफ में एक्चुअल में जॉन कैप्चर हुआ था या वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वार्निंग, अगली फोटोग्राफ एक्चुअल में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर आपका दिल कमजोर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये पार्ट स्किप कर दो। हिशाशी आउची जापान के एक न्यूक्लियर प्लांट में टेक्नीशियन का काम करता था। हिशाशी अभी भी अनट्रेन था, और सितंबर 13, 1999 के दोपहर को वो अपने बाकी अनट्रेन कलीग के साथ में काम कर रहा था। उन्हें एक इम्प्रॉपर टैंक में एक फ्यूल को मिक्स करने डालना था, और अनट्रेन होने के कारण उन्हें पता नहीं था इसे कैसे करना है, और उन्होंने इसे अपने हाथों से करना शुरू कर दिया, और एक्सीडेंटली उन्होंने 7 गुना ज्यादा यूरेनियम ऐड कर दिया था। हिशाशी सबसे क्लोज खड़ा था उस टैंक के, और अचानक से पूरा प्लांट गामा रेज से भर गया, और देखते ही देखते पूरा विलेज भी। और ऐसा होते ही पूरे विलेज को खाली करवा दिया गया, क्योंकि गामा रेज ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। पर हिशाशी अभी भी जिंदा था। उसे जापान के एक हॉस्पिटल में स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया था, और वो 83 दिन तक जिंदा रहा इस हालत में।
1915 कूपर फैमिली ने टेक्सास में एक नया घर खरीदा और कूपर फैमिली वहाँ रहने चली गई। जिस दिन उस घर में कूपर फैमिली शिफ्ट हुई थी उसी रात पे डाइनिंग टेबल पर उन्होंने डिसाइड किया एक फोटोग्राफ क्लिक करने का और उन्होंने क्लिक की। एज यू नो कि 1950 के टाइम कैमरा रोल आता था तो हम फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद देख नहीं सकते थे, हमें रील को डेवलप करना पड़ता था। तो मिस्टर कूपर ने रील डेवलप कराने के लिए दी और कुछ वक्त बाद वो रील डेवलप होकर आई, पर फोटोग्राफ में अनफॉर्चुनेटली कुछ अनयूजुअल कैप्चर हो गया। उस फोटोग्राफ में डाइनिंग टेबल पर मिस्टर कूपर की वाइफ, उनकी मॉम और उनके दो बच्चे बैठे हुए थे, पर उनके लेफ्ट साइड पर एक ह्यूमन फिगर था जो उल्टा लटका हुआ था। फोटोग्राफ देखकर भी आपको साफ पता चल जाएगा मिस्टर कूपर की वाइफ, उनकी मॉम, उनके बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि लेफ्ट पर कुछ है। काफी लोगों को लगा ये फोटोग्राफ फेक है, काफी लोगों को लगा ये फोटोग्राफ रियल है, पर किसी को भी ये नहीं पता फोटोग्राफ में जो इंसान कैप्चर हुआ है वो कौन है। मिनियंस, क्यूट से एनिमेटेड फिक्शनल कैरेक्टर, आई एम श्योर आप सबको उनके बारे में पता होगा। पर ईयर 2015 फेसबुक पर एक फोटो सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। क्या आपको पता है कुछ जूविस बच्चे जिन्हें नाजिस ने अडॉप्ट कर लिया था, उन बच्चों को नाजिस ने मिनियन का नाम दिया था। नाजिस उन बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते थे और ये बहुत गलत चीज है। पिक्सर ने एक ऐसी स्टोरी को यूज किया और एग्जैक्ट इसी तरह कुछ टाइम बाद एक टिकटॉक वीडियो भी वायरल होना शुरू हो गया जिसमें ऐसा बताया गया था मिनियन कैरेक्टर्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ईयर 1903 में एक छोटे से टाउन के कुछ बच्चे अचानक से मिसिंग हो गए। उन्हें किसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था और जब वो बच्चे मिले तो उनकी हालत इतनी खराब थी वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। और उससे कई ज्यादा क्रीपी चीज ये थी जिसने भी ये किया था वो कभी पकड़ा नहीं गया। पर क्या ये एक्चुअली में सच है? और जवाब है नहीं। मीनस एक्चुअल में किसी चीज से इंस्पायर्ड होकर नहीं बनाया था, वो जस्ट एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर था। पर ये इमेजिन करके चिल्स आ जाते हैं, व्हाट इफ ये सच होता। ओके, दी एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो बाय, गुड नाइट।